भगवान को प्रेम प्रिय है। अपनी बुद्धि में, अपने विचार में ये बात भर लेना, भगवान तुम्हारे पदार्थ के भूखे नहीं है। अपने विवेक में ये बात मंथन करना, भगवान तुम्हारे वस्त्र के भूखे नहीं है, भगवान तुम्हारे लड्डुओं के प्रसाद के भूखे नहीं है, भगवान तुम्हारे मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं है। मेरे पागलो, मेरा गोविंद तो प्रेम का भूखा है। मेरा गोविंद तो प्रेम के बस रीझ करके दौड़ा चला आता है। मेरा माधव तो प्रेम के बस में पूरी मर्यादा तोड़ करके मिलने चला आता है। और तुम अपने गोविंद को, तुम अपनी पूजा में पुष्प चढ़ा पाओ या ना चढ़ा पाओ, मुझसे कोई पूछे कि बढ़िया भगवान के लिए बढ़िया सा उपहार क्या है, तो ठाकुर को सबसे बढ़िया उपहार है उसकी याद में आंसू बहा देना। ठाकुर के लिए कुछ अगर समर्पित करना है, तुम्हें ही निवेदित करना है, तुम्हारे मन में भाव है कि मैं बहुत बड़ा कोई गिफ्ट चढ़ाऊं, तो तुम उनके चरणों में चांदी चढ़ाना या सोना चढ़ाना खबर नहीं, वो उसे स्वीकार करें या ना करें, अपने आप को चढ़ा देना उसे, वो कभी अस्वीकार नहीं करें। तुम कह देना आज से तुम हमारे हम तुम्हारे, तुम कह देना तुम बिन कौन हमारो, तुम कह देना हरीजी में जैसो तैसो तेरो, तुम कह देना तुम ही मेरी नैया तुम ही मेरे खवैया, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में रस आने लगेगा, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में आनंद आने लगेगा। और आज की व्यासपीठ से मैं निवेदन करूं तुम सबको, पते की बात अपने बुद्धि में इसको रखना, पते की बात यह है मेरे पागलों, ठाकुर को पाना है बहुत मुश्किल नहीं है, गोविंद के दर्शन बहुत मुश्किल नहीं है, गुरु को पा लेना ही गोविंद को पा लेना है। गुरु में निष्ठा रख लेना ही गोविंद में निष्ठा है। सबसे ऊंची प्रेम से, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँको, दुर्योधन की मेवा साग विदुर कर खाए, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। रामायण कहती राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। तुम कितनी पूजा करते ये तो खबर नहीं, तुम कितनी माला जपते ये तो खबर नहीं, तुम कितना दान देते ये तो खबर नहीं, लेकिन जिस दिन श्रद्धा से भाव में भरकर एक बार गोविंद कह दिया, समझो तुमने करोड़ों यज्ञ करवा दिए। राम राम सब कोई कहे पर दशरथ कहे न कोई, जो एक बार दशरथ कहे सो कोट यज्ञ फल हो। दशरथ का मतलब राम जी के पिता का नाम दशरथ नहीं, दशरथ का मतलब है जो एक बार दसों इंद्रियों से राम कहलोगे, पांच कर्म इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियां, इन दसों इंद्रियों से राम कहलोगे तो करोड़ों यज्ञों का फल मिलेगा।